शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीपी में आए हुए कुछ प्रश्न इस प्रकार के दिए गए हैं, जिनको कि आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 10x प्लस 5 का रेशियो लिखा 42x प्लस 8 कामा 5 अनुपात 8 का तिगुना अनुपात है तो एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सिंपली वे में इसको देखा जाए जिससे कम समय में ज्यादा काम हम लोग कर सके। आइए पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर 10x प्लस 5 अनुपात का मतलब होता बटा, इसका मतलब कितना 42x और प्लस 8 ये इक्वल है 5 अनुपात 8 के, और 5 अनुपात 8 का मतलब 5:8। और कह रहा है कि 3 गुना अनुपात है, 3 गुना का मतलब ये 3 टाइम्स है, 5 × 5 और फिर 5 और अपान में 8 आपका 3 टाइम्स है यानी 3 बार। अब हमसे पूछ रहा है, अच्छा 5 के अगर बच्चे गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125 और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64 = 512 ये हो जाएगा आपका। अब x में यहाँ कितना मान रख दिया जाए कि यह 125 हो जाए। ध्यान रहे आपसे x क्यूब का मान पूछा, तो अगर x में हमने x का मान 12 रख दिया तो 12 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120 आएगा, और 120 में 5 जोड़ देंगे तो 125। इसका मतलब ये फैक्ट हो गया कि x का मान 12 रख देने पर ये 125 हो जा रहा है। वही काम इसमें भी, अगर x का मान आप 12 रखेंगे तो 42 का गुणा करके 8 को जोड़ेंगे तो 512 आएगा। इस तरीके से अब हमको ये पता चल गया कि जो x का मान है वो 12 है, लेकिन x का मान नहीं पूछ रहा है, x क्यूब पूछ रहा है। तो x क्यूब का मतलब आप 12 का क्यूब करिए, और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आंसर नंबर पहले का सी वाला आंसर सही है। तो एक से लेकर के कम आप 25 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों लर्न कर लीजिए। इसी क्रम में आपके पास एक अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि विगत प्रश्न पत्र में पूछा गया है। कह रहा 40 के वर्ग के 40% चौथाई का भाग ज्ञात करें। चौथाई भाग को आपको करना है इसका। 40 का जब वर्ग करेंगे बच्चे तो 40 का स्क्वायर होगा 4 × 4 = 16, 2 × 0 यानी 1600। फिर कह रहा है का 40%, 40% का मतलब 40/100 का चौथाई भाग का मतलब 1/4। इस तरीके से ये दोनों जीरो कैंसिल हुआ, 4 से काटेंगे तो 4 × 16 हो गया। अब 40 का अगर गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 16 और एक जीरो है 160। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। चलिए बच्चे, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है कि यदि बिक्री मूल 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना होता है, लाभ ज्ञात करिए। इसका मतलब अगर हम लोग कह दें सीपी यानी क्रय मूल और विक्रय मूल, इन दोनों में मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 1 रुपए में खरीदा और उस वस्तु को आपने 2 रुपए में बेच दिया। कह रहा है बिक्री मूल 3 गुना किया जाए तो, बिक्री मूल 3 गुना का मतलब कि 2 में अगर 3 से गुणा किया जाए तो 6 हो जाए तो लाभ 5 गुना होता है। इसका मतलब अभी कंफर्म हो गया कि अगर देखा जाए इसमें 1 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेचा गया तो लाभ इसका 5 हो गया, और 1 में खरीद करके 2 में बेचा गया तो इसका लाभ 1 हुआ। आपसे सवाल है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो लाभ प्रतिशत के लिए आप जान ही रहे हैं। आपने क्या देखा, यहाँ पर आपका लाभ हो गया 1 रुपए का लाभ है, और खरीदे कितने रुपए में थे 1, यानी 1/1 ऐसे कर लीजिए 1/1 × 100 और गुणा करेंगे तो आपका 100% हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।